पहली बार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जाने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। इस ट्रेन को दिल्ली से भोपाल के बीच चलाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन मेक इन इंडिया योजना के तहत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही है। इस ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो भारत में पहली बार उपयोग की जा रही हैं। फ्रांस से आयोजित 360 डिग्री घूमने वाली सीटें लग रही हैं। ट्रेन को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। प्रवेश और निकास के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे। ट्रेन में दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय, LED लाइटिंग, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली आदि जैसी सुविधाएं भी होंगी। आप लोगों ने सुना होगा ट्रेन 18 का, अभी मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। ट्रेन 18 एक नया कंसेप्ट आया है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। यह क्षमता रखती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अचीव करने की। ये ICF चेन्नई में इसका निर्माण हुआ है और टेस्टिंग भी चल रही है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि ये ट्रेन जो है भोपाल नई दिल्ली रूट पर जो शताब्दी चलती है उसको रिप्लेस करेगी। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये सौगात जल्दी से जल्दी हमें मिले और इसकी रनिंग से सभी लोग लाभान्वित हों।